दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को एनकाउंटर के बाद कुख्यात बदमाश राजू को गिरफ्तार कर लिया। राजू मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती और जबरन वसूली जैसे 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्पेशल सेल की टीम को सूचना मिली थी कि राजू अवैध हथियारों की खेप लेकर गीता कॉलोनी पुल से कश्मीरी गेट ISBT की तरफ जाने वाला है। जब पुलिस टीम ने राजू को रोका तो उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की। राजू के दोनों पैरों में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल में तैनात ACP अतर सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम को सूचना मिली कि राजू अवैध हथियारों की खेप लेकर आने वाला है, यह खेप सप्लाई करनी है। सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने शांति वन से गीता कॉलोनी की ओर जा रहे रूट से कश्मीरी गेट ISBT की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैप लगाया। एक स्कूटी पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उस युवक ने बजाय रुकने के वहां से फरार होने का प्रयास किया। जब उसे जबरन रोका गया तो उसने पुलिस पर 4 राउंड गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी उस पर फायरिंग की, जिसकी वजह से बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। उसे तुरंत ही LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार राजू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। उसके खिलाफ UP और दिल्ली में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और जबरन वसूली जैसे संगीन मामले शामिल हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस को उसकी तलाश थी। फिलहाल वो मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की खेप लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बदमाशों को सप्लाई कर रहा था। आज भी वो एक खेप लेकर सप्लाई के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में स्पेशल सेल के साथ हुए एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 5 अवैध पिस्तौल बरामद की गई है, साथ ही कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि जिस स्कूटी पर वो सवार था वो चोरी की तो नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।